ये पिछले दिन मैं गुजरा तो देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और गुब्बारे फोड़ रहे हैं, और जब गुब्बारा फटता है ना तो बच्चे खुश होते हैं, कह कहे लगाते हैं। फिर दूसरा गुब्बारा है वो उससे खेलने लग जाते हैं, और फिर जब वो फटता तो फिर खुश होते हैं। तो मैं ज़रा रुक गया और इस मंजर को देखने लगा, और फिर मैंने कहा कि गुब्बारा फटता है तो ये बच्चे खुश होते हैं, लेकिन जब हमारा ज़माना होता था, जब हम बच्चे थे, तो गुब्बारा फटता था हम रोने लग जाते थे, क्योंकि खेल ही ख़त्म हो जाता था। एक ही गुब्बारा होता था पाँच छः बच्चों के पास, और गुब्बारा फट गया तो खेल ख़त्म, तो सारे रोने लग जाते थे। और अब ये गुब्बारे पे गुब्बारा फोड़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ हम आ पहुँचे। लेकिन उस ज़माने में अगर किसी से पूछा जाता, लोग पैदल सफ़र करते और लिबास भी पूरे ना होते, तो जब किसी से पूछा जाता क्या हाल है, तो वो लंबा हाथ कर कहता है अल्लाह का शुक्र है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि वो उसका रवा रवा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तो उसका लहजा बताता था, उसका अंदाज बताता था कि वो अल्लाह का शुक्र किस गहराई कल्ब से कर रहा है, तो वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। और आज जबकि इतनी नेमतें लोगों को मुयस्सर हैं, इतना कुछ नसीब है, आली नसब घरों में रहते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, सहूलतें हैं, आसूदगियां हैं, आसाइशें हैं, माली आसूदगी है, रिहायशी आसूदगी है, खाने पीने के वाफर सामान हैं, टेबल पे इतने खाने लगे हुए होते हैं कि बारी नहीं आती खाने की, और इस कदर लिबास है कि मौसम गुजर जाता है और बाज लिबास बदलने की बारी नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद किसी से पूछे जनाब क्या हाल है, आसूदा हाल शख्स से भी पूछे, तो वो भी बड़े आहिस्तगी से कहता है बस चल ही रहा है। तो वो जमाना था कि जब लोगों के पास कुछ था नहीं, तो लंबा हाथ करके कहते, तशक्कुर का लहजा कितना दिलावेज था, अल्लाह का शुक्र है। और आज कहते बस गुजर हो ही रही है, बस चल ही रहा है, तो ना शुक्री बढ़ती चली जा रही, इतना कुछ होने के बावजूद जो है वो इनका भी चल ही रहा है। तो कहा इन्नल इंसान ले रब्बे ही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का ना शुक्र है। इतनी नेमतें खाने के बावजूद, इतनी दौलतें समेटने के बावजूद, इतनी इज्जतें पाने के बावजूद, इतनी आसाइशें हासिल कर चुकने के बावजूद, दौलत के इतने अंबार रखने के बावजूद, इसकी जुबान बोलते हुए कितने बुखल से काम लेती है कि बस गुजर औकात हो ही रही है। ओ मियां तेरे रब ने तुझे इतना कुछ दिया, ये दौलतें, ये दौलतों के अंबार, ये आसूदगियां, ये बहारें, ये सब कुछ ना होता, तुझे जिंदगी बख्श दी थी, इसका ही शुक्र तेरे ऊपर वाजिब था। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने हजरत इंसान को ये जो कुछ दिया है, कितनी चीजें हैं हमें पता भी नहीं कि वो नेमत है, लेकिन अल्लाह ने हमें अता की। दुनिया का एक अमीर तरीन शख्स था उनासिस, तो उसके ये आंखों के जो पपोटे थे ये काम करना छोड़ गए, हमें कभी इसका एहसास भी नहीं हुआ कि ये कोई नेमत है। ऑटोमेटिक सिस्टम मेरे रब ने लगाया, उधर तिनका उड़ा उधर आंख बंद हो गई। लेकिन उसको मसला क्या हुआ कि ये पट्टे उसके खत्म हो गए और वो अपनी मर्जी से आंखें नहीं बंद कर सकता था। डॉक्टर स्लोशन टेप लगा के आंखें खोल देता और जब उसने सोना होता तो वो बंद कर देता। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक नाम था, तो किसी ने उससे पूछा कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, उसने काश अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। कहा इसके लिए तुझे कोई कीमत लगानी पड़े तो कितने पैसे लगा सकता है, कहा सारी दौलत लग जाए, काश मैं अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। मुझे ये बताइए कि हजरत इंसान को क्या कुछ नहीं अल्लाह ने दिया, ये लुआब है ना, लुआब हम रोज थूकते हैं, ये मिकदार से कुछ कम हो जाए तो बोलने में दिक्कत, निजाम निजाम खराब। ये जो लुआब हमारे मुंह में आता है जो हम थूक देते हैं, ये कुदरती ग्रीस है जो बोलने में मदद देती है, निजाम निजाम को ठीक रखती है। और अगर ये लुआब कम हो जाए मिकदार से तो नज्म खराब हो जाए। अल्लाह अकबर, तो हमने कभी सोचा कि ये भी नेमते हैं, बाकी रोशन आंखें, चमकता चेहरा और जोरावर हाथ, चौड़ी छाती, धड़कता दिल, और कहते हैं इस दिमाग का अगर कंप्यूटर तैयार किया जाए तो न्यूयॉर्क शहर से बड़ा एक बकरियां चराने वाले शख्स के दिमाग का कंप्यूटर बने। ये हजरत इंसान को अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, और फिर उसको नेमतें दी, इज्जतें दी, जायदादें, जमीनें, लंबी लंबी गाड़ियां, आली नसब प्लाजे, कितना कुछ दिया, फिर खूबसूरत औलादें दी, क्या तस्कीन कल्ब के लिए रखा उसने।
तो इसके बावजूद भी ये कह रहा है बस चल रहा है, गुजर औकात हो रही है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, इंसान अपने रब का कितना ना शुक्रा है, उसने क्या कुछ इसे अता किया, क्या कुछ अता किया, लेकिन ये शुक्र का कलमा भी नहीं बोलता, बुखल से काम लेता है। तो कहा ये ना शुक्रा है और इस पर कोई खारिज से दलील लाने की जरूरत भी नहीं है। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और ये खुद इस पे गवाह है। जरा अपने अंदर उतर के देखे तो ये कितना बुखल करता है शुक्र अदा करने में, इसे खुद समझ आ जाएगी। वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, और इसकी एक खसलत ये है कि ये दौलत की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। दौलत की मोहब्बत ये बहुत ज्यादा अपने सीने में पाल चुका है और ये दौलत इसकी महबूबा बन गई है। दौलत तो इसकी जरूरत होनी चाहिए थी लेकिन इसने उसको अपनी महबूबा बना लिया। वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, इसको मोहब्बत जर शिद्दत से हो गई है, सवेर से शाम तक इसका वजीफा ही यही है, इसकी जिंदगी के अंदर मंसूबे ये चलते हैं। अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है, इसकी सारी जिंदगी आसूदगी से गुजर सकती है जितना इसके पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हर वक्त इसके दिमाग के फीते पे यही चलता है और यही कहानी चलती है, ये ज्यादा कैसे हो, ये ज्यादा कैसे हो, ये ज्यादा कैसे हो। इस तराब ने इसको बेचैन कर दिया है और ख्वाहिश जर ने, हफ्से जर ने इसका चैन छीन लिया है और इतनी मोहब्बत जागुजी हो गई इसके दिल में कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए इसके दिल में जगह ही नहीं बची। वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, अल्लाह अकबर। अब पहले घोड़ों की अदाओं की कस्में की, फिर उसके बाद हजरत इंसान की ये जो बड़ी खामियां थी, जो खामियां जड़ हैं उसकी बाकी खामियों की, उनको बयान किया। एक तो नाशुक्रा है, जो मिला है उस पर यह शुक्र अदा नहीं करता, हालांकि अगर वो शुक्र अदा करे, रब का वादा है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं और ज्यादा दूंगा। एक तो ये शुक्र नहीं करता और दूसरा यह है कि दौलत की मोहब्बत इसके रगो रेशा में रच बस गई है। बल्कि अल्लाह ताला ने उन बदनसीब लोगों की कहानी बयान करते हुए कहा जो दौलत को मकसूद ही बना बैठे, अल्लज़ी जमा मालम व अद्दद, ये वो बदनसीब लोग हैं जो माल को जमा करते हैं और गिनते रहते हैं, बार बार हिसाब करते हैं। अल्लज़ी जमा मालम व अद्दद, माल को जमा किया व अद्दद और बार बार उसको गिनते रहे, इतने हो गए अब इतने हो गए। अल्लाह कल्ला लयुंबज़न नफिल होता, पहले शर्फ में अल्लज़ी जमा मालम व अद्दद यहसबु अन्न मालहु अखलदा, ये गुमान करते हैं कि हमारा माल हमें लाफानी कर देगा, माल की कसरत से हम महफूज हो जाएंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, दौलत इतनी होगी तो हम हर तरह से हिफाजतों के साथ में आ जाएंगे, हमारा माल हमें लाफानी कर देगा। यह सब अन्ना मालहु अखलदा, अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला ऐसा हरगिज नहीं है, ये तुम्हारी भूल है कि माल तुम्हें लाफानी कर देगा, माल तुम्हें मरने नहीं देगा, माल तुम्हें महफूज कर लेगा, कल्ला ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि क्या है लयुम बजन नफिल होता मा, हम तुम्हें पकड़ के आग में डाल देंगे। लयुम बजन्ना के लफ्ज पे अगर गौर किया जाए तो अरबी में जब उनका जूता पुराना हो जाता तो पुराना जूता जब पहनने के भी काबिल ना रहता तो उसको उतार के ऐसे हकारत से पहनते और उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते नबस्तु नाल, मैंने जूता फेंक दिया। वो जूता जो पाँव में डालने के भी काबिल ना रहे और इतना पुराना हो जाए कि उसको अब जो है वो मजीद मुरम्मत भी ना करवाना मुमकिन हो तो उसको फिर फेंका जाता है और फिर उसको वो हकारत से फेंकते हैं और वो जूता चलते हुए तंग करता है तो फिर उसको उतार के हकारत से अरब फेंक देते हैं, तो उसके लिए लफ्ज बोलते हैं नबस्तु नाल, मैंने जूता फेंक दिया, हकारत से फेंकने को नब्ज कहते हैं। और यही लफ्ज अल्लाह ताला जल्ला शानू ने फरमाया कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, ए अहले अरब जिस तरह तुम जूता पुराना हकारत से फेंकते हो हम हकारत से तुम्हें आग में डाल देंगे। कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, ये उन मालदारों की कहानी है जिन्होंने माल को अपना माबूद बना लिया, माल को अपना मकसूद बना लिया, माल 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 हर कदर पामाल कर दी, हर कदर की कुर्बानी दे दी माल के बदले और माल ही उनका मकसूद बन गया और ये समझे कि ये माल जो है वो
उनको लाफानी कर देगा, उनको मरने नहीं देगा, उनके लिए हिफाजती हिसार बन जाएगा। कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा। अल्लाह फरमाता है जानते हो जिस हुतमा में, जिस आग में तुम्हें डाला जाएगा वो आग क्या है? मल हुतमा, क्या तुम्हें पता है वो हुतमा क्या है? फिर खुद फरमाया नारुल्लाहिल मुकदतुल्लती तत्तलियु अलल अफइदा, ये अल्लाह की जलाई हुई आग है जो दिल खा जाएगी, जो कलेजे चाट जाएगी। तो हुब्बे जर, ये हुब्बे दौलत और हुब्बे दुनिया, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तो इसलिए अपने अंदर से मोहब्बत जर को निकालने की कोशिश कीजिए अगर कहीं आपको दाखिल होती महसूस हो रही है। और हुब्बे दौलत को निकालने के लिए ज़कात सदक़ात, इस्लाम ने हमें ये नज़म दिया है। इकबाल ने कहा था हुब्बे दौलत तल्फ मीसाज़त ज़कात, ज़कात हुब्बे दौलत को ज़ायल करती है। जब अल्लाह की राह में लुटाओगे तो उससे कम भी नहीं होगा। मेरे हुजूर ने तीन चीज़ें कसम करके कही। हज़रत अबू कबशा अल अनमारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स किसी को माफ़ कर देता है तो उसकी इज्जत कम नहीं होगी, मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम उठाता हूं। दूसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाई कि जो शख्स मांगने लग जाता है, सवाल का दरवाजा खोल लेता है, अल्लाह उसके लिए मोहताजी का दरवाजा खोल देता है, उसकी कभी कमी पूरी नहीं होती। और तीसरी बात मेरे हुजूर ने कसम करके कही मा नकसा मालु अब्द मिन सदका, कहा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि सदके से माल कम नहीं होता, सदके से माल घटता नहीं है। तो एक तो माल भी नहीं घटेगा, ये जमानत किसकी है? मेरी नहीं है, ये रसूलुल्लाह की जमानत है। एक तो माल भी कम नहीं होगा और दूसरा ये है कि हुब्बे दौलत खत्म होगी। हुब्बे दौलत तल्फ मीसाज़त ज़कात, ये माह सियाम आ रहा है तो ज़कात से हुब्बे दौलत को कम कीजिए, बल्कि सदकात दीजिए, नफली सदकात कीजिए, गुराबा की मदद कीजिए, मसाकीन की मदद कीजिए, अपने गरीब मोहताज रिश्तेदारों पे गौर कीजिए, उनकी मदद कीजिए, अपनी हमसायगी में देखिए, पर्दे से मदद कीजिए, उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो। ये जो नमाइश लगा के 10-10 अखबारों में छपवा के लोगों की मदद करते हैं, इससे गुरेज कीजिए। कभी सोचें कि अगर आज किसी की बेटी लाइन में खड़ी है तो कल अगर ये मरहला मेरी बेटी के लिए आ जाए तो फिर मेरा मिजाज क्या होगा? तो इज्जत नफ्स का ख्याल रखिए, लोगों की गुरबत का तमाशा ना उड़ाइए, और लोगों की जो है वो मोहताजी को अपनी तस्कीन का जरिया ना बनाइए। ये तो अल्लाह ने तुम्हें दिया और उन्हें नहीं दिया, और वो आजमाइश की घड़ी में खड़े हैं, तुम उनके साथ खड़े हो जाओ। तो लोगों की मदद कीजिए, दुखियों के काम आइए, मसाजिद की जो है वो तामीर कीजिए, मदारसे दीनिया के साथ वाबस्ता रहिए, और लोगों की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए काम कीजिए। अल्लाह ने आपको दिया है, ये माल यहाँ रह जाना है। मेरे हुजूर ने फरमाया इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल, उसका माल वो है जो उसने खाया या पहना और पुराना कर दिया या आगे भेज दिया, बाकी उसका नहीं है, वो वारिसों का है। मरते ही विरसा बन जाएगा, मरते ही तरका बन जाएगा, कफन भी मैला नहीं होने देंगे कि बाज़ औलादें तो बांट लेती हैं। अल्लाह अकबर, वो घर जो उनके लिए बनाया था, एक रात भी तुझे उस घर में रखने के लिए तैयार नहीं।